नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का विशेष कार्यक्रम रजनीश की रिपोर्ट। मैं हूं रजनीश। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन और स्मृति ऐश्वर्या। हम इनसे जानते हैं कि अभी हाल में जो कल ट्विटर कैंपेनिंग चलाया गया, उनसे क्या फायदा हुआ, मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया आई या नहीं आई, एक एक करके हम इनसे बात करते हैं। गुलाम, कल मुख्यमंत्री को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया रही? नहीं, अब तक संघ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। और हम लोगों ने लगभग पहली बार ऐसा हुआ झारखंड के इतिहास में कि लगभग अगर हम दोनों हैशटैग को काउंट करें तो लगभग 9 लाख के आसपास गया था। उसके बाद पंचायत सचिव को लेकर के फिर एक ट्वीट चला था उसमें से, तो अगर हम तीनों को काउंट करें हैशटैग को तो लगभग 1 मिलियन ट्वीट कल चला गया था। और 1 मिलियन ट्वीट जो है अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक होता है। वन टाइम हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो तो ट्रेंडिंग में भी रहा था 1 आवर के लिए। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिला है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि अपनी मांगों को ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, क्योंकि मुख्यमंत्री शुरू से हमेशा डिजिटल चीज़ों को हमारे सामने रूबरू करते रहे हैं। लगातार कुछ भी अगर मांगते थे, अगर मैं उनके आवास जाता था या तो फिर मैं अगर CMO जाता था तो हमेशा मुझसे कहा जाता था कि आप या तो फिर उनको ट्वीट कर दीजिए ना, आपका काम कर देंगे वो, आप उनको मेल कर दीजिए आपका काम कर देंगे आपको, और मेल का जवाब मेल से मिल जाएगा। लेकिन हमेशा क्या आज तक मेल का जवाब मेल से और ट्विटर का जवाब ट्विटर से मिला आप लोगों को? नहीं, स्टूडेंट्स को इसका जवाब कभी नहीं मिला आज तक से। कोई भी स्टूडेंट अगर, क्योंकि हम लोग नियुक्ति मांग रहे हैं, हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, और यही पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को नागवार गुजर जाता है। अच्छा, एक बात है कि अभी ये ट्विटर वाली बात कल की है, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी लगभग 5,000 के हैं, हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया, इसमें क्या मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों की कोई बातें हुई? बहुत बार बात हुआ है। लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा था कि जाइए आपका दशहरा अच्छे से बीतेगा। दशहरा बीतने के बाद फिर बोला कि ठीक है आप जाइए आपका दिवाली अच्छे से बीतेगा। लेकिन दिवाली तो अच्छे से नहीं बीता, लेकिन हम लोग का दिवाला निकल गया। अब फिर छठ पूजा आया, छठ पूजा भी पार हो गया, मतलब कि बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के विशेष और बहुत ही बड़े बड़े त्यौहार पार हो गए, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया नहीं गया। और ना ही, मतलब देखिए इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, मुख्यमंत्री की सिर्फ एक इच्छा शक्ति, नीति गड़बड़ नहीं यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ थोड़ा सा नियत में है। जिस दिन मुख्यमंत्री का नियत आ जाएगा कि हमको करना है, तुरंत कर देंगे। आयोग के पास जब भी गए हैं उन्होंने कहा कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा हाथ बंधा हुआ है, जिस दिन मुझे बोल दिया जाएगा कि आप दीजिए तुरंत दे देंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट का कोई मामला कोई अड़चन है ही नहीं। और आयोग ने भी साफ कहा कि आप लोग की नियुक्ति में ना तो कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए और ना ही मतलब किसी तरह का कोई हमारे पास मतलब डाउट है जिसको क्लियर करना है। मतलब कि मुख्यमंत्री खाली बोल देंगे कि आप अपने अनुसार रिजल्ट निकालिए, हम तुरंत निकाल देंगे और सबका जॉइनिंग करवा देंगे। तो आपका इसको लेकर के या आपकी संगठन का क्या रणनीति आगे करेंगे? सर, रणनीति तो है पंचायत सचिव को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कहा था कि चूंकि मैं ट्विटर कैंपेन में काफ़ी व्यस्त था तो मैं उस समय पंचायत सचिव को विशेष रूप से सामने ला नहीं पाया था, लेकिन अब समय आ चुका है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी अब इस मूवमेंट को गति देंगे और आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर ही रणनीति बन करके हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। आपने गुलाम हुसैन को सुना, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हम लोगों कई बार मेल किया, कई बार ट्वीट किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। और इन लोग को सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी दिया था मुख्यमंत्री को कि इन लोगों की नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया भी ना शुरू की गई है ना किसी तरह की आस मुख्यमंत्री की ओर से दिख रही है, ऐसा कहना है गुलाम हुसैन का। आइए हम स्मृति जी से जानते हैं कि क्या ट्विटर कैंपेनिंग में कितना फायदा हुआ और किस तरह से इन्होंने कैंपेनिंग की शुरुआत की। हमारे साथ हैं स्मृति जी। स्मृति जी से हम पूछते हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग में जिस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही हेमंत सोरेन की, मुख्यमंत्री जी की? स्मृति जी, आपने ट्विटर कैंपेनिंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बच्चों को तैयार भी किया, सबको जागरूक किया, लगभग 1 मिलियन में उसका ट्वीट भी हुआ, इसमें क्या आपको फ़ायदा मिला और उधर से मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? जोहार साथियों, और आपको भी जोहार, और लाइव लगातार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छात्रों की समस्याओं को अपना मंच देने का कोशिश किया और शुरू से ही आप इस काम में लगे हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपसे मिलने का भी मौका मिला।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 5 तारीख को 5 नवंबर को ये ट्विटर कैंपेन हुआ था और झारखंड के सभी छात्र इसमें भाग लिए थे, और केवल झारखंड के सभी छात्र ही भाग नहीं लिए थे, मुझे जहाँ तक लग रहा है 1 मिलियन ट्वीट हुआ है, तो उनके अभिभावक भी शामिल होंगे, सभी शिक्षकगण भी शामिल। और जहाँ तक रिप्लाई की बात है कि मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई आया कि नहीं आया, अभी तो नहीं आया है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन आने वाले समय में इससे उनके ऊपर दबाव जरूर बनेगा और उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। ये रीट्वीट करने से उम्र की सीमा बढ़ाया जाए या एक तरह जाए, ठीक है उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन झारखंड में जिस तरह की स्थिति है वैकेंसी को लेकर, विज्ञापन आता है या तो कोर्ट कचहरी में जाता है या तो रद्द या फिर उसको स्थगित कर दिया जाता है, इस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है, इसमें कितना फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को? झारखंड में रोजगार आए हुए 6 साल हो गए और पिछले बार अगर JPSC ने दिया भी है तो मात्र 250 या उसके आसपास ही सीट जो है फिल हुए हैं और बेरोजगारी हटी है, लेकिन और बाकी जितने भी युवा हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर युवा हैं जिनको रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं तो ये बहुत हद तक अभी तक हम लोग जितना भी कैंपेन किए हैं तो वो सभी सक्सेसफुल रहा है। और जहाँ तक नियुक्ति की बात है तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो जाते हैं, और जैसे कि पंचायत सचिव वाले ले लीजिए, और आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आ रही है जैसे झारखंड SSC CGL हो गया या फिर उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा हो गई या फिर और भी अन्य वैकेंसी जिस पर रमेश हंसदा का कोर्ट केस लगा हुआ है, तो मुझे इस बात का डर है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में ये सारी वैकेंसी सोनी कुमारी के द्वारा जो रुकी हुई वैकेंसी है उसके जैसा ना बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ देह होता है। 5 साल 6 साल से लगातार छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि आप कम से कम मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, हम लोगों को नियुक्ति दीजिए, हम लोगों ने अपना सारा क्राइटेरिया को फुलफिल किया, हर एक एग्ज़ाम को हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये सारे रुके हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आए वो इसका चक्कर लगाए, क्योंकि बच्चों को मानसिक रूप से तो तनाव होता ही है, आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लगातार फंडिंग होना होता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो लड़ाई होता है बहुत ही खर्चीला होता है, और इसके लिए कोई आगे नहीं आता है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं आता है, कोई पक्ष वाला पार्टी नहीं आता है, और सभी लड़ाई जो है छात्रों को खुद ही लड़नी होती है। आपने छात्र की लड़ाई की बात की, छात्र को आखिर क्यों लड़ना क्यों पड़ रहा है? झारखंड में नौकरी मांगना नहीं है, झारखंड में नौकरी छीनना होता है, तो अब जो भी आंदोलन होगा ये नौकरी छीनने का आंदोलन होगा, क्योंकि मांगते मांगते तो 5 साल 6 साल गुजर गए, अब हम लोगों की लड़ाई होगी नौकरी छीनने की, और अगर कोई भी कैंपेन होगा तो ये नौकरी छीनने का कैंपेन होगा, और हम लोग छीन के रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अपना मुँह भी तो दिखाना है ना कि हमने आपके लिए क्या किया था, हमने छीन करके ले करके आई हूँ, और ये हम लोगों को सबको, झारखंड के जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को ये प्रण लेना होगा कि आपको अपने नौकरी छीननी है सरकार से। अब इसके लिए आपकी अगला जो पड़ाव होगा, जो अगला कैंपेन होगा, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आपने स्मृति जी को सुना, ये कह रही है कि झारखंड में नौकरी मांगनी नहीं छीननी है, इस तरह की परिस्थिति बनती है, तो आप इनकी बातों को सुने, किस तरह से इन्होंने रखा ट्विटर कैंपेनिंग की बातों को, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि झारखंड में रोजगार को लाए, युवाओं को रोजगार दे। आगे की खबरों के लिए लाइव लगातार के संग बने रहें, मुझे दे इजाजत। धन्यवाद आपको।